स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का सब्जेक्ट हिंदी ओपन बुक टेस्ट। उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए दांतों की विशेषताएं। दांतों की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खासियत है वो आपको बताना है। फर्स्ट देखो क्या है, दुस्साहसी थे, दांत क्या थे, दुस्साहसी थे। सेकेंड क्या है, दांत पंक्तिबद्ध थे, क्या थे, दांत पंक्तिबद्ध थे। थर्ड क्या है, एकजुट रहते थे, दांत क्या रहते थे, एकजुट एक साथ रहते थे। घनिष्ठ मित्र थे, दांत कैसे थे, एकदम घनिष्ठ मित्र थे। देखे अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो, उत्तर लिखिए। अगले दिन अधिकारी महोदय यह करने आए, क्या करने आए थे अधिकारी महोदय, निरीक्षण करने आए थे। तो यहाँ पे लिखो निरीक्षण। ओके द नेक्स्ट देखो, ठेकेदार और उच्च अधिकारी का यह किया गया, क्या किया गया था, ईमानदारी के समाचार चारों तरफ फैल गया। ओके देन ये देखो, ये वृद्धावस्था में मनुष्य को धोखा देते हैं। ये जब बूढ़े हो जाते हैं तो कौन धोखा देता है मनुष्य को, दांत धोखा देते। ओके गिर जाते ना इस वजह से। फोर्थ, श्रेष्ठता को स्वीकार करने के अर्थ वाला मुहावरा। श्रेष्ठता को स्वीकार करने वाला मुहावरा कौन सा है, लोहा मानना। ओके देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। ऐसे क्वेश्चन बनाना है हमको जिसका आंसर एक वर्ड में होना चाहिए। ओके जैसे कि आंसर है रिश्वत, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को क्या खोखला बना रहा है। ओके तो क्या खोखला बना रहा है, रिश्वत खोखला बना रहा है। देन नेक्स्ट देखो बदनाम, बदनाम का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, मोहल्ले की औरतों ने श्वेता के बारे अफवाहें फैला कर उसे क्या किया, तो क्या किया, बदनाम किया। ओके ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, नहीं तो आपके मार्क्स काट दी जाएंगे। ओके देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो निम्नलिखित शब्दों की विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दादा का क्या आएगा, कम, खुशी का दुखी, घर बेघर, अपमान सम्मान। देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। वचन चेंज करना है, घर का घरे या फिर घर भी आ सकता है, चाटे का चाटा, शाबाशिया का शाबाशी, पर्चिया का पर्ची। देन देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पहचान है और लिखने का है, कक्षा का क्या आएगा, स्त्रीलिंग, बोझ का क्या आएगा, पुल्लिंग। ओके अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें का फर्स्ट निगाह, निगाह को समानार्थी क्या बोलेंगे हम, नज़र। सलाह को क्या बोलेंगे, सुझाव। इमारत को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, समानार्थी में भवन। और नया को नवीन। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कापूर होना, कापूर होना क्या होता है, अचानक गायब हो जाना। पहला इसका अर्थ लिखने का है, फिर उसका वाक्य लिखने का है। ओके वाक्य में क्या लिखा है, बुरे लोग दूसरों पर मुसीबत आने पर कापूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओके और ये लिखने के बाद कापूर हो जाते हैं, इस नीचे अंडरलाइन करो। देन नेक्स्ट, सन्न रह जाना, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, शांत रह जाना। तो उसका सेंटेंस क्या आएगा, पोल खुलने पर काजल सन्न रह गई। सन्न रह गई इसके नीचे क्या करना है हमको, अंडरलाइन करने का है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैंने पूरे हिंदी और मराठी के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, तो मैं वो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।